अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेज़ प्लांट के बारे में, जिसका बॉटेनिकल नेम ज़िया मेज़ है। ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है जो कि जिसमें एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है, यानी कि ये एक मोनोकॉट प्लांट है। ये जो प्लांट है ये ग्रीन इरेक्ट होता है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इसका जो रूट सिस्टम है, इसमें दो तरह के रूट्स होते हैं। जैसे ये पहले आप देखिए, एक मोनोकॉट प्लांट है तो इसमें हमें फिब्रस रूट्स मिलते हैं, ये इसके फिब्रस रूट्स होते हैं। इसके बाद चूँकि इस प्लांट को ये इरेक्ट होता है ग्रीन, तो इसको फर्दर सपोर्ट चाहने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए इसमें एक और टाइप के रूट्स होते हैं जिन्हें हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। वो इनको ज़मीन पे खड़ा रहने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये जो रूट्स होते हैं इन्हें हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। ये वाले, ये बिल्कुल इसका जो, इसे हम नोड कहते हैं, और ये बीच की जो जगह होती है दो नोड्स के बीच में, इसे हम इंटर नोड कहते हैं। तो बिल्कुल जो लोअर नोड होता है उससे ये अराइज होता है, ये स्टिल्ट रूट्स। अगर कोई प्लांट जो गर्थ में थोड़ा, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी बहुत अगर हुई होगी कुछ, तो उसके बाद क्योंकि ये अंदर से हॉलो नहीं होता है, ये सॉलिड होता है ये अंदर से इसका स्टेम, तो उस केस में इसमें जो दूसरा लोअर नोड होता है, एक तो हो गया बेस वाला नोड और ये वाला नोड, इस नोड से भी इसमें फिर हमारे पास स्टिल्ट रूट्स अराइज होते हैं, ताकि जो प्लांट को वो अच्छे से होल्ड कर पाए। अब आप देखिए कि इसमें जो इंटर नोड्स होते हैं वो एक लीफ जो होता है उसकी एक शीट से कवर होते हैं। ये जो लीफ है ये यहाँ पे इसके ये इंटर नोड्स को कवर करता है। उसके बाद जो ये वाला लीफ होता है, इसमें एक मिड रिब होती है और इसमें जो मेन लीफ होता है आगे, जिसे हम लेमिना भी कहते हैं। इसके बाद अब आप देखिए कि इसमें जो, अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात अगर करें, तो इसमें जो ये एक मोनोइशियस प्लांट्स है, यानी कि इसमें मेल फ्लावर्स जो कि ऊपर होते हैं जिन्हें हम टेसल भी कहते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास फीमेल फ्लावर्स होते हैं ये एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं बट एट डिफरेंट प्लेसेस। फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो किसी और जगह है, मेल स्ट्रक्चर किसी और जगह है, तो इसलिए इसको हम डाइक्लेनी भी कहते हैं। तो ये एक मोनोइशियस प्लांट्स है और इसमें जो फिर पोलिनेशन होती है वो थ्रू एयर होता है, जिसे हम एनिमोफिली कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म होता है कि ऊपर से ही जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फॉल करते हैं नीचे अपने ही फीमेल स्ट्रक्चर पे, यानी कि स्टिग्मा पे। तो अब हम पहले देखेंगे कि फीमेल स्ट्रक्चर क्या होती है। इसे देखिए, इसमें जो अंदर हमारे पास जो कॉब होता है वो ऊपर से कवर किया हुआ होता है कुछ हस्क लाइक स्ट्रक्चर्स ने, लीफी स्ट्रक्चर्स ने। तो इसके बाद जो ये हमें सिल्क से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, यहाँ पे सिल्की होते हैं, इनको हम सिल्क भी कहते हैं। और यूजुअली ये होते क्या हैं, ये स्टाइल होते हैं, जो ये कार्पल का एक पार्ट होते हैं, टाइप टॉप में इसमें हमारे पास यहाँ पे स्टिग्मा होते हैं जिन पे फिर पोलन ग्रेन आके फॉल करता है। इसके बाद जो इसकी मेल इन्फ्लोरिसेंस है, इसमें आप देखिए यहाँ पे हमारे पास मेल इन्फ्लोरिसेंस, ये देखिए इसको हम टेसल कहते हैं। यहाँ पे इन्हीं में से फिर, यहाँ पे इन स्पाइकलेट्स में से फिर, यहाँ पे जो ये टिनी फ्लावर्स बनते हैं इन्हीं में से फिर हमारे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि फिर मैच्योर होके आफ्टर बर्स्टिंग वो एयर के थ्रू यहाँ पे आके फॉल होते हैं स्टिग्मा पे, और उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कम्प्लीट होता है आगे जाके। फिर फर्दर हमारे पास यहाँ पे जो कॉब के अंदर जो ये कॉर्न्स वगैरह होते हैं वो ही फिर उसी में हमारे पास एम्ब्रियो बनता है, फिर आगे जाके वो फिर से जर्मिनेट होके एक नए प्लांट को ग्रोथ करता है।